एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही मैंने अभी आपको ना श्रेया पिलगांवकर के फादर की तरह इंट्रोड्यूस किया जिस कैमरा के लिए, और अब आप आ गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि मुझे उल्टा भी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, बिकॉज मैं इनकी बेटी हूं। बट इट इज ऑलवेज यू नो आई फील प्राउड व्हेन पीपल कॉल मी श्रेयास फादर। दैट्स द बेस्ट थिंग। ये आप मेरे को बताइए, जनरली लोग घर पे आते हैं तो बच्चों को बोला जाता है आप परफॉर्म करके दिखाएं या कुछ इंटरेस्टिंग करके दिखाएं, तो फिर आपके घर का क्या माहौल रहता होगा जब गेस्ट हमारे आते? हमारे घर में गेस्ट आने के बाद हम गेस्ट को बोलते थे कि गाना गाएं। अभी आप लोग आए, आप सब बैठे, आप में से गाना 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 आप गाते हैं, श्रेया इधर आ, इनका गाना सुन, आप गाना, आप में से डांस कौन अच्छा करता है, ये डांस, अभी आप डांस, सुप्रिया इधर आओ, आप इनका डांस, इनका डांस देखो। सही बात है, हमारे पास दो दिग्गज, एक दिग्गज और दूसरे सपोर्टिंग गेटिंग देयर, प्लीज पेश कीजिए कुछ, गाओ अपना फेवरेट वंशम दा। एक मैं सुनाता हूँ, अच्छा ओके शुरू कर। एक मैं और एक तुम, थोड़ा पिच हाई कर, ओके रेडी, ऑलराइट, वन मोर टेक, ऑन वन मोर, वन मोर। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। यूं नहीं मिलते हैं यार यार से, दे मुझे प्यार का जवाब प्यार से, धड़कने हुई जवां वक्त भी है मेहरबान, फिर भी कैसी दूरियां, बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, क्या बात, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। यू नो पंचम दा ने ये गाना कहाँ से लिया था? मैं वही उसी गाने से लिया था जो मैं श्रेया के लिए बचपन में गाया करता था। क्या बात कर रहा है? Which one? जो खेला करते थे हम लोग, तो बहुत सारे में चीजें गाता था तुम्हारे लिए। हाँ? एक गाना था, कौन सा? If you're happy and you're low, clap your hands. Oh my God, I can't. Happy and you're low. Clap your hands. सुना ही था? Happy and you're low. I don't really want to show. आगे चेंज कर दिया उन्होंने। But da da di da 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 di da da. एक मैं और एक तू. If you're happy and you're low. Oh my God, I don't know that. Oh, that's so crazy. बॉम्बे जर्नी में हमारा ये नियम है कि हम चलते फिरते बॉम्बे की भी बातें करते रहते हैं। जी। तो इस एरिया की आप मेमोरी बताइए, बांद्रा की। आई एम श्योर यू हैव नोन दिस एज द सी। जब मैं 9 साल का था और जब जिस सीलिंग से हम लोग जा रहे हैं अभी, वो सीलिंग नहीं था और मैं रहता था टाइकलवाड़ी, दादर, टाइकलवाड़ी शिवाजी पार्क एरिया में आता है। तो टाइकलवाड़ी से मैं 9 साल का था जब मैंने सबसे पहली गाड़ी खरीदी अपनी। दैट वाज अ मॉरिस माइनर। आई एम ओनली लाइक लुकिंग एट हिम एंड वंडरिंग व्हाट इज दिस स्टोरी गोइंग टू गेट टू, है ना? मॉरिस माइनर को हिंदुस्तान, बेबी हिंदुस्तान कहते थे, और उसका एक ये पूरा अक्का गाड़ी है। हाँ, छोटी गाड़ी एंड फोर डोर बकेट सीट्स एंड फ्लोर शिफ्ट गियर, ये तो पूरी गाड़ी हो गई। हाँ हाँ, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, उसको टाइगर भी कहते थे। गाड़ी गाड़ी पेट्रोल डालने वाली गाड़ी। हाँ, तो बट आप चला कैसे रहते थे? नहीं, मैं ड्राइवर था, चलाना तो अलाउड भी नहीं था, लेकिन मैं 9 साल का था तब मैंने वर्ली सी फेस पे उसी गाड़ी पे ड्राइविंग सीखी। मतलब आप 9 साल के थे तब तक आप कितनी फिल्में कर चुके थे? देखो, मैं जब 16 साल का था तब तक मैंने इसको 65 फिल्म्स की थी, तो मेरे ख्याल से अबाउट 25 उतर जाओ, 30 फिल्म्स उतर जाओ, मैं मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। 25 30 फिल्म्स तो डेफिनेटली की होंगी।
अरे नहीं, गजब का टैलेंट है साहब, मतलब माय मदर वाज लाइक अरे यू गोना मीट हिम, प्लीज टेल हिम, प्लीज आस्क हिम द सिप्पी स्टोरी. सो आई वांट टू गेट टू द शोले सिप्पी साहब की स्टोरी अबाउट दैट, गेटिंग दैट पार्ट एंड हाउ व्हाट दैट हैपेंड. गेटिंग दैट पार्ट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल. हां जी, बिकॉज़ आई वाज ऑलरेडी इन सिप्पी फिल्म्स कैंप. करेक्ट. तो जब शोले की बात आई तब सलीम साहब और जावेद साहब ने ये सोचा होगा कि भैया एक यंग लड़का कि जिसकी मौत से लोगों को दुख हो. तो रमेश जी ने कहा मेरे पास एक है, लेकिन अब वो कैसा दिखता है मुझे मालूम नहीं, बट सिंपथी मतलब ताड़ से मिल जाएगी ऐसा है. तो उन्होंने कहीं से नंबर वंबर ढूंढा होगा एंड आई वॉज कॉल्ड. तो माई फादर टुक मी टू द सेम ऑफिस, 14th रोड खार. और वहां पे मैंने देखा कि रमेश जी बैठे हुए थे सिटिंग रूम में, सलीम साहब, जावेद साहब, बड़े यंग राइटर्स बैठे हुए थे, दो तीन और भी लोग थे. तब रमेश जी ने मुझे वहां तक लेके गए. रमेश जी ने कहा देखो ये सचिन है. तो मुझे देखते वक्त उन्होंने बोला सचिन तुम सिर्फ तुम्हारी थोड़ी हाइट बड़ी है लेकिन तुम बदले नहीं हो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है. करेक्ट, परफेक्ट, वर्क्स फॉर मी, यूर ऑन. तो वो लेके गए, उन्होंने कहा ये रहा अहमद. तो सलीम साहब और जावेद साहब ने देख के बोला ये हाँ बिल्कुल सही है रमेश जी, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमें पता नहीं था कि आप जब बोल रहे थे तब ऐसा कुछ होगा. तो आई वाज सिलेक्टेड देयर एंड देन उस रोल के लिए. हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन नाउ इन द इंडस्ट्री? 2030 में 60 पूरे हो जाएंगे. 2030 में 60 पूरे 2023 में 60 इयर्स इन द इंडस्ट्री. वाओ, मतलब अभी देखा जाए तो 58 इयर्स. कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. करियर का? हां जी, उम्र का नहीं. अरे नहीं, करियर की तो हम बात ही कर रहे थे. आप 5 साल के थे तो आप नेशनल अवार्ड ले लिए, तो आप जो स्टेज पे जा रहे हो बच्चा, आपको कोई मेमोरी है उस दिन की? पूरी तरह से मेमोरी इज इनक्रेडिबल. मुझे वो भी याद है कुछ कुछ, मतलब नॉट एकदम. एक साल का था मैं तब, कुछ कुछ विजुअल मुझे याद है. हां, एक साल की भी. अरे वाह. हाँ, तो 5 साल के तो डेफिनेटली याद होंगे. तो मुझे याद है जब मुझे नेशनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ था तो माय मदर एंड फादर वर वेरी थ्रिल्ड. तो मेरा नाम अनाउंस हुआ तो पंडित जी भी बैठे हुए थे स्टेज पे, पंडित नेहरू जी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी खड़े थे. और जब नाम लिया तो उनको लगा कि 10-12 साल का कोई बच्चा आएगा. आई मीन चाइल्ड एक्टर है तो फिर उसी उम्र का कुछ होगा, लेकिन इतना छोटा आएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था. तो मैं गया और मैंने वो अवार्ड लिया, मैंने झुक के नमस्कार किया, फिर मुड़ के पंडित जी को भी झुक के नमस्कार किया और जाने लगा. तो एक आवाज है सुनो. मैं रुका, मैं मुड़ के देखा तो पंडित जी इधर आओ. मैं गया उनके नजदीक, उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया प्रोटोकॉल तोड़ के. ओह शिट. गोद में बिठा के उन्होंने उस वक्त आई थिंक जैकेट पहना, उसमें लगा था गुलाब का फूल. वो गुलाब का फूल निकाल के उन्होंने मेरी शेरवानी में लगा दिया. मिले और कुछ अच्छा हो तथास्तु. में तो काफी लंबा चला भी. हाँ, 8 साल चला. वो जर्नी के बारे में बताइए. और क्या एक्टर रह के डायरेक्शन करना आपको बेटर डायरेक्टर बनाता है या वाइस वर्सा? ऑफ कोर्स बनाता है. दूसरी चीज यार, टेक्निकली मतलब टेक्निकली टेक्निकल नॉलेज आपको जो है वो काफी अच्छा हो जाता है जब आप एक्टिंग इतने छोटे उम्र से आप कर रहे हो, तो अलग अलग चीजों की जानकारी आपको मिलती रहती है. एंड डायरेक्टर बनना मेरा तो ड्रीम था. आई डिसाइडेड टू बिकम अ डायरेक्टर एट द एज ऑफ 7. रियली? या आई डिडंट नो दैट. ही इज ओवर अचीवर. टेक्निकल आदमी जो होता है, टेक्निकली साउंड जो होता है उसको हिंदी लैंग्वेज में तांत्रिक कहते हैं. क्योंकि कंट्रोल कर सकते हैं. वो कंट्रोल कर सकते. उसके लिए एक कला होती है. वो कला आप में होना बहुत जरूरी है. कला का नाम इंग्लिश में मैनिपुलेशन. तो उसमें वो एक चीज कि आप निकाल कैसे सकते, और दूसरी चीज मतलब किसी भी चीज का चोर कैसे पकड़ सकते. चोर पकड़ना मतलब कोई राइटर है जिसने एक पूरा सीन लिखा है
लेकिन एक लल पड़ता है बीच में कहीं, तो वो लल उसको बोलो कि ये गड़बड़ है बॉस, इसको ठीक करो। ये मत बोलो कि यार कुछ गड़बड़ है यार, कुछ ठीक कर दो इसको, बस प्रॉब्लम ताकि मजा आ जाए। अरे यार क्या मजा आ जाए, वो डायरेक्टर मिलते हैं ना कि एक और ले, ओके सर कट कर, अच्छा था एक और ले। हाँ जी ठीक है, क्यों बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक और ले। अरे रुको भाई, लेते हैं और क्या, दस और लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या चाहिए और क्यों एक और चाहिए बोलो। सही बात है। तो वो बोलता है कि ये ऐसा ऐसा है, उसके बाद टेक होता ओके, पहले टेक के बाद बोल देते हैं। सही बात है। उसके लिए पांच टेक लेने की जरूरत क्या है, एक बड़े डायरेक्टर को मैंने बोला है। हाँ। बहुत बड़ा डायरेक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ। आज भी नाम बहुत बड़ा है। करेक्ट। लेकिन उनको मैंने कहा था कि भाई आप नौ टेक हो गए हैं अभी, 10 बार आप बोल रहे हैं, आप बताइए ना कि क्या इस आपको नहीं चाहिए और क्या चाहिए। सही बात, इतना बताइए। उन्होंने बोला ये है ना, ये मुझे जरा नहीं अच्छा लग रहा है, और ये अगर कर दो तो बेटर होगा। बस हो गया, टेक कीजिए, टेक किया, ओके हो गया। मैंने कहा यार पहले टेक के बाद बोलते ना, व्हाट वर यू वेटिंग फॉर, यू यार डैड सच अ पापा जोक टू मेक, व्हाट वर यू वेटिंग फॉर, डैड जोक्स, डैड जोक्स। ये कई सारी जनरेशन को आप एज नजबलिए स्टार्स पता है, बहुत सारे विनर्स आप ही हैं। एंड आई टेल देम, अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुमको ढपली नहीं मालूम क्या? क्या बात कर रहे हो, उधर है? मैंने बोला अरे वही है सेम, मस्त नाचते, लेकिन मैंने बोला हाँ मस्त नाचते। उफ, दैट वाज सच अ, इट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल पीरियड फॉर मी बिकॉज़ आई वाज लाइक अ पेरेंट, दे यूज्ड टू वर्क सो हार्ड और बहुत मेहनत करते थे यार, तो मैं हमेशा जाती थी। ऐसा नहीं था जिसमें वो वहाँ पे बैठी नहीं थी हमारा, वो तो दिखती है मैं जो रो हमेशा आफ्टर एवरी, इस तरह से कोई भी गार्डियन जाता ना अपने बच्चों के साथ, वैसे जाती थी, वैसे ये आती थी हम दोनों के साथ। I would see how much they were the oldest couple and they put in double the hard work, you know, because it was physically hard. So they stopped all other work at that point to focus on the rehearsals, na? Because it would be very tough at that point. और एक time आया आगे चलके कि हमको 9-9 घंटे rehearsal करने पड़े every day, 9-9 hours. They worked really hard at that point. Yes. आप लोग foodies भी हैं? Oh, बहुत ज़्यादा. सीधा एंथुसियाज्म। और पापा मेक्स इनक्रेडिबल फूड आल्सो, पर हम दोनों मतलब काफी ऐसे प्लान्स बनाते हैं और ट्रैवल भी करते हैं जस्ट टू ईट। मैं श्रिया के लिए एक स्पैनिश डिश बनाता हूँ, चिकन का, विद स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स एंड विद सम राइस एंड वेरी यम्मी। रेसिपी अलग है जो मैं बताऊंगा नहीं, रेसिपी क्या है, सीक्रेट रेसिपी, लेकिन इधर आना पड़ेगा श्रिया के लिए, जो है वो पहली बार मैं किचन के अंदर घुसा। या पर हम बाहर भी बहुत घूमते हैं खाने के लिए, वी लाइक टू ट्राई डिफरेंट क्विजींस, और स्पेशली लाइक इफ यू आर अब्रॉड तो हम डिफरेंट कंट्रीज का स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हैं। दैट्स व्हाई यू एंडेड अप ईटिंग लाइक अ बग और समथिंग, थिंकिंग इट्स कैंडी। योर रिसर्च टीम हैज रेड वेरी रैंडम थिंग्स, बट दैट्स ट्रू। इन बैंकॉक, इन बैंकॉक यू नो यूज्ड टू गेट दोस कैंडीज एंड आई डोंट थिंक आई रियलाइज्ड एट दैट पॉइंट, बट देयर वर लाइक इंसेक्ट्स frozen or whatever in that candy. Crunch नहीं है। मैंने देखा वो transparent था। I took a lick and I saw it as in what is this? इतनी adventurous नहीं हूँ मैं। मुझे cockroach नहीं खाने। I don't know if you know this fun fact, but I was telling you I just saw a bullet going by, so I remembered that during Mirzapur I had to learn how to ride a bullet, and for a month I practiced और हो गया। वो सीन भी शूट किया था पर इट नेवर मेड इट टू द कट। ओह रियली? या डोंट यू रिमेंबर वाचिंग इट? इट डिडंट मेक इट ना टू द एडिट। ओके, बट तभी मैंने, ये बहुत होता है एक्टरों के साथ। हां, आई फील बुरा भी लगता है। यू कास्ट हर इन तुतु मैम एज अ बॉय, एज अ बॉय, एज बिट्टू। बट यू नो पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट, अगेन आई थिंक ऑनलाइन गलत लिखा है, बट आई वाज नॉट अ चाइल्ड एक्टर, बट व्हेन दे नीडेड द नेबर टू कम to neighbor to come and say auntie auntie achar chahiye, papa used to say acha ha shriya ko bulana, I would say okay, but I didn't own dresses for some reason, I owned like shorts and t-shirts, to main bittu। Mumbai slang ki hum log baat karte hain Bombay journey pe, to any Bombay slang that you all are fascinated with? Ek to set pe jab wo bolte na ye baby ki mundi kaato, ye usna wo, I love that, baby ki mundi kaato to hai hi, lekin wo कैमरामैन लोग जो बोलते हैं ना, अरे पीछे बैकग्राउंड में देखो क्या चल रहा है, पीछे बैकग्राउंड में देखो, लव इट। या कुछ कुछ लोग जो बोलते हैं, सुबह मॉर्निंग में जब मैं वहाँ पे पहुंचा था सुबह मॉर्निंग में, तो वो है क्या यहाँ पे? बोले नहीं, वो आउट ऑफ मुंबई के बाहर गए।
बॉम्बे जो बोलते हैं जैसे हमारे एक सीएमओ है केडी, उन्होंने मेरे को रिसेंटली बताया तो कभी बॉम्बे आएगा तो बता, और मेरी वाइफ समझ गई कि ये टाउन की बात कर रहे हैं, तू सोच रहा है तू हैदराबाद से बॉम्बे, नहीं नहीं वो बोल रहे तू कभी उधर आएगा तो बात करते हैं, दैट इज बॉम्बे, दैट इज रियल बॉम्बे, करेक्ट, मतलब क्योंकि वो बॉम्बे तो अंग्रेजों ने रखा हुआ नाम है, ये बड़ा नाम मुंबा देवी, मुंबा देवी मंदिर भी उधर ही है मंदिर, हां इसकी वजह से इस सिटी का नाम मुंबई है, करेक्ट, हां और अंग्रेजों को मुंबई बोलना आया नहीं, बॉम्बे करते वो बॉम्बे हो गया, सही बात है। It's also the fascinating story I know about Bombil. How it became Bombay duck. It's not a duck, right? It's yeah. a fish. So, Kohli women would be giving, क्योंकि नीचे है duck, और वहाँ से फटफट ऊपर फेंकने का. तो Bombil duck, Bombil duck, Bombil duck, Bombil duck, तेजी से आप बोलते रहो, वहाँ जो guard चल रहा है, उसको सुनाई दिया Bombay duck. तो Bombay duck. Oh, that's so interesting. And that's how the name came about to be exactly. Bombay duck. अभी ये भिंडी बाजार जो नाम है. हाँ. ये भिंडी बाजार का वहाँ पे भिंडी मिलती है. नहीं. ये भिंडी का बाजार है वहाँ पे. नहीं है. तो वो दरअसल भिंडी बाजार जो नाम पड़ा है वो ऐसे ही पड़ा है क्योंकि क्रॉफर्ड मार्केट इज द ओरिजिनल बाजार, करेक्ट, हाँ तो ये जो जगह है इज बिहाइंड द बाजार, तो पीछे वाली बिहाइंड द बाजार, बिहाइंड द, यू आर किडिंग मी, आई एम नॉट जोकिंग, आई बिहाइंड द बाजार, 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 I actually never questioned why it was called Bhindi Bazaar, but this Bhindi is. का कोई लेना देना नहीं है. Are you sure this could be one of like those? No, I'm not joking. It is Bhindi Bazaar. मतलब behind the bazaar. मतलब pronounce करते 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 करते. It's look up behind the bazaar. जैसे टगाफार हुई, उन दोनों में काफी टगाफार हुई. Tug of war. Tug of war. Correct. का टगाफार हो गया. Tension. हाँ. Tension. इतना commonly used word है. Tension. It is tension. 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 Yeah. How fascinating, na? Yeah, language is very fascinating. Urdu aur shayari se main aata hoon, talaffuz. Haan, bas kya hai na ki talaffuz aapko agar aapka sahi karna ho, saaf karna ho. Haan ji. To aapko uske andar dube rehna padega. Achha. And it is something which jo aapke system mein jab tak nahi jayegi ye baat, tab tak aapka talaffuz jo hai wo sahi nahi hoga. Warna kya hoga na, effort mehsoos hoga. Jaise kuch galti. Wo extra wo. Khaas. मतलब आप क्या मतलब बोल रहे हैं या ढूंढ रहे हैं क्या कर रहे हैं, मतलब वो आपके साथ फिर वो खास बात जो है वो खास महसूस होनी चाहिए. अच्छा तो मतलब वो प्रैक्टिस से आती है, ईज़ एंड ईज़ एंड प्रोनंसिएशन आई थिंक, वो जानकारी से भी आएगी फिर, जानकारी आदत सिस्टम में आना उसको. क्या है ना, उर्दू ऐसी जबान है जिसको कि आपको सीखना सिर्फ नहीं पड़ता, आपको उसे पहनना पड़ता है. क्या बात, हाँ तो जब आप पहनेंगे इस जबान को तब आपको जो मजा आएगा सुनने वालों को पालने को आपसे ज्यादा मजा आएगा. सही बात, क्योंकि ये जबान ऐसी है ना कि हो सकता है कि इसके कुछ अल्फाज हों ऐसे जो आपकी समझ में ना आए, भले ही ना आए लेकिन फिर भी आप इस जबान के लचक या खनक से नहीं बच सकते. इसमें अपनी ये खसूसियत है जो अपना रंग दिखाती है. सही बात है. आपको वैसे पता है उर्दू इस लफ्ज का मतलब क्या है? नहीं, उर्दू तो बहुत सब जानते हैं, बहुत सारे लोग इस लफ्ज को जानते हैं ना उर्दू, लेकिन इसके मायने क्या है? भाषा के मायने जितने होते हैं. नहीं, शब्द के उर्दू लफ्ज के मायने हैं लश्कर, आर्मी, आर्मी इज अ लैंग वर्ड, इट्स अ कोड लैंग्वेज ऑफ आर्मी, ओके, ऑफ दैट टाइम. इसमें चार भाषाओं का मिश्रण है, इम्तिजाज है. एक है अरबिक, फारसी, संस्कृत एंड इंग्लिश. ओह वाओ, पापा आपने लिखी हुई कुछ एक, हाँ कुछ सुनाइए ना. हाँ, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, आम फहम सुनाता हूँ जी. हाँ, समथिंग इजी टू, या जी, एक छोटी बहर की गजल है जो मैंने कहने की कोशिश की थी. उसका मतलब ये है कि खुद को पढ़ता हूँ छोड़ देता हूँ, खुद को पढ़ता हूँ छोड़ देता हूँ, एक वर्क रोज मोड़ देता हूँ. वर्क मतलब पेज. खुद को पढ़ता हूँ छोड़ देता हूँ, एक वर्क रोज मोड़ देता हूँ. इस कदर जख्म है निगाहों में, इस कदर जख्म है निगाहों में, रोज एक आईना तोड़ देता हूँ. क्या और मैं पुजारी बरसते फूलों का, मैं पुजारी बरसते फूलों का, छू के शाखों को छोड़ देता हूँ और कांपते होंठ
भीगती पलकें, कांपते होंठ, भीगती पलकें, बात अधूरी ही छोड़ देता। I love this one. Is there an excitement like a child would have of when course. He has written something and he's coming out? He always shares it and papa ke WhatsApp groups hai jahan pe people who like शेरो शायरी उर्दू पोएट्री वो शेयर करते रहते हैं और हमारा मम्मी पापा और मेरा एक ग्रुप है जहाँ पे हम सिर्फ बाकी कोई बात नहीं बट एक्सक्लूसिव ग्रुप जस्ट फॉर इनकी लिखी हुई शेरो शायरी या दिस इज नॉट बेस्टीज दिस इज द अदर वन Oh God! How do you know Westies? Yeah, yeah. Westies group is my general other conversations. हाँ. But ये शेरो शायरी का जो है वो अलग group है. हम तीनों का ही. हम तीनों का ही है. But it is just for that. सही है ये भी अच्छा है. और इस सब में the mother is playing the part of a connoisseur. Connoisseur. Oh, she's taking it all. She in. She is taking it all in, and my mom is like our. She's our ground. Our heaven and earth and she's the one who's guiding so us all the time. So you two seem like the notorious kind and she seems like the control kind. Look at that. Ulta hai. My mom is the one who does all the masti. Oh yeah? Yeah. And who's the control freak? I think I am. Really? क्योंकि मेरी बात तो मानती नहीं है सुनती भी नहीं है मानती भी नहीं है कौन मैं नहीं सुप्रिया Anything else that you all want to add up? No, मुझे तो बहुत मजा आया it was fun. Thank you. और यहाँ पे इस तरह का मतलब first time इस तरह का interview मैंने तो अनगिनत interview की है मैंने अपनी जिंदगी में लेकिन ऐसा experience पहली बार मुझे मिला अरे thank you and shayari I'm looking forward to please 100% अगर आप कुछ लिखें तो forward कीजिएगा all the very best to you buddy thank you sir and thank you for the flower this is a flower for the house thank you this is the Bombay journey and we're signing off चलिए bye take care